शासन के निर्देश पर अब शनिवार को लगाए जाने वाले जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन बांसगांव तहसील के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी दिनेश कुमार पी ने किया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम बांसगांव अनुपम जैन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की फरियाद को एसएसपी और सीडीओ ने सुनकर कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और शेष प्रार्थना पत्रों को लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दिया। इसके निस्तारण के लिए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों का समय देते हुए अगले तहसील दिवस में कार्रवाई की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर मंगलवार की जगह अब शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील पर तहसील दिवस तथा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल कोरोना काल के बाद शनिवार को आयोजित तहसील दिवस में जानकारी के अभाव और बारिश की वजह से कम लोग ही पहुंच सके थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, बांसगांव तहसील हम और सी डी ओ साहब और एडिशनल एस पी साउथ और एस डी एम साहब, सी एम ओ साहब और सी ओ बांसगांव सब लोग मिल के तहसील दिवस में जो फरियादियों को सुना है, काफ़ी मात्रा में प्रार्थना पत्र आई है। जहाँ पे ज़मीनी विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र आई है, वहाँ पे रेवेन्यू एवं पुलिस के जॉइंट टीम जो है मौके पर जाके जांच करके नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे अन्य विभागों के मामले संबंधित विभाग अध्यक्ष को रेफर कर दिया गया है। जहाँ पे प्योरली पुलिस का मामला है, हम लोगों ने स्वयं अटेंड किया है। जो शुरुआत के तौर पर जो देखा जाए कि जनरली जो भीड़ है वो नॉर्मल सी रही है और इसका जो निस्तारण है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम लोगों का अधिनस्थ निर्देश दे दिया है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, नहीं बाकी दिन बदला है, बाकी कोई अन्य चीज़ नहीं बदला है। शनिवार बदला, एक और पहला और तीसरा शनिवार जो है अब तहसील दिवस रहेगा, दूसरा और चौथा शनिवार जो है जो थाना दिवस यानी समाधान दिवस दूसरा और चौथा शनिवार में, और संपूर्ण समाधान दिवस जो है पहला और तीसरा शनिवार।